नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले तो आज आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो सबसे पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान लोगों को मिलता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या बोलते हैं हम, बहुत जल्दी एक्सक्यूज दे देते हैं कि यार टाइम नहीं था। ठीक है, तो क्या होता है ना कि आपको ये चीज़ हमेशा सोच लेनी है कि सब समय होता है ना, सभी को बराबर ही मिलता है, किसी को ज़्यादा नहीं मिलता। केवल समय को कमाया जा सकता है, समय को निकाला जा सकता है। आपने कभी कभी ये भी सुना होगा ना कि अगर आपको कोई काम कराना है तो आप क्या करोगे, वो काम सबसे जो बिजी आदमी है ना उसको दो, क्योंकि आप सब वो बिजी, वो अपना काम टाइम निकाल के, उसको आदत पड़ी हुई होती है तो वो उसमें से टाइम निकाल के काम कर देगा। लेकिन जो आलसी आदमी होते हैं ना, वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास समय की बहुत कमी है। क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करता तो उसके पास समय की बहुत कमी है, वो समय नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसका जीवन आलस में बीता है अभी तक। तो दोस्तों, आप कभी भी एक्सक्यूज देना हमेशा के लिए क्या है, कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना कि समय नहीं था। समय किसी के पास नहीं होता, हर आदमी के पास, भगवान ने सभी को एक चीज सबको बराबर दी है, वो है समय। किसी के पास भी ज्यादा नहीं है, किसी के पास भी कम नहीं है, सभी को बराबर समय दिया है। उसी को आपको अंदर, आपको क्या समय निकालना है, सभी के लिए, पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालो, किस तरह किस निकालो, आपको अपना टाइम को अरेंज करना है। तो ये चीजें होती हैं, तो ये आपको अपने आप देखना है कि किस समय आपको क्या करना है, किस तरह आप अपने टाइम को अरेंज करते हो। और एक बात ये आप कंफर्म कर लीजिए कि जो अपने टाइम को अरेंज करना सीख गया ना, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि पा चुका है। दो ही चीजें होती हैं, मैं बताता हूँ, मेरे लिए दो ही चीजें हैं कि अगर आप उन चीजों को सीख जाओगे ना, तो आप मतलब बहुत कुछ चीजें सीख जाओगे। पहले बात, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गए, जो माइंड होता है ना, अननेसेसरी चीजें क्या है हमेशा आपको क्या है दिखलाता रहता है, बताता रहता है, और आपके जो माइंड को है ना, इधर से उधर भड़काता रहता है, मन बोलते हैं उसको। तो आप एक तो उसको कंट्रोल करना अगर सीख गए, तो उसके लिए आपको क्या है, मेडिटेशन करना है हमेशा। तो नंबर वन चीज हो गई, आप माइंड को कंट्रोल कीजिए। दूसरा हो गया, आप समय को कंट्रोल कीजिए। तो समय का कंट्रोल, अगर माइंड का कंट्रोल हो गया, तो समय बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाएगा और आपको एक टाइम टेबल के तहत चलना पड़ेगा। तो आज के जो कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर देख लेते हैं। कल थोड़ी सी न्यूज मेरी खराब रही, क्योंकि मेरा थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इसलिए मतलब इतना शरीर पूरी तरह से दर्द कर रहा था, थोड़ा बीमार हो गया था, इसलिए मैं पूरा एफर्ट्स नहीं दे सका था। तो चलो, आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट जो कल के क्वेश्चंस थे उनके आंसर अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले था जो यूनियन टेरेटरी ऑफ दादरा नगर हवेली थी, वो इंडिया में कब मर्ज की गई थी, तो 11 अगस्त 1961 को की गई थी, जो पुर्तगालियों से हमने जो छुड़वाई थी और भारत में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है इंडस वाटर ट्रीटी, जो जो इंडस वाटर, जो सिंधु पानी की जो ट्रीटी है, संधि है, उसके अनुसार भारत को कौन से जो एक्सक्लूसिव नदियों के एक्सक्लूसिव राइट मिले थे कि उनका सारा पानी भारत कैसे भी यूज कर सकता है, तो वो है रावी, ब्यास एंड सतलज, जो तीनों नदी याद रख लेना। और दूसरी कौन को, तीन कौन सी बची, झेलम, चेनाब एंड जो एक इंदोस्त है, उनका क्या है, पानी पाकिस्तान यूज कर सकता है, लेकिन उसमें भी इंडिया को कुछ राइट्स दिया गया था, जैसे एग्रीकल्चर हो गया और भी हो गया, और उसमें उसमें भी एक अनकंडीशनल राइट दिया गया था, वो था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसी के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशन गंगा जो प्रोजेक्ट बना रहा है इंडिया, वो कौन सी नदी पे था, झेलम पे, और तथा राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे, चेनाब पे। तो ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है, और आप इसको जो इंडिया और पाकिस्तान के आप रिलेशंस के बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन आए, तो इसको भी आप बीच में कहीं ना कहीं आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है जो एनवी स्टेट इंडिया रिपोर्ट 2020 थी, वो किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो नेशनल स्टेटिक ऑफिसर के द्वारा, ऑफिस के द्वारा तैयार की गई थी। इसमें बताया गया था, एक तो हीट, जो हीट वेव्स हैं उसके जो दिन है अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, और हीट जो कोल्ड वेव दिन है वो भी बहुत मतलब अभी इस बार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, जो इंडिया का, जो इंडिया का नहीं सॉरी, जो ह्यूमन का है एनवायरमेंट पे एनक्रोचमेंट है उसको प्रदर्शित करता है, और जो किस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी प्रदर्शित करता है, और जो रेस्पिरेटरी डिवाइसेस है, जो रेस्पिरेटरी जो बीमारी है उनसे भी बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, और कुछ जो सिटीज़ के बारे में भी इसमें अंदर बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, एज पर द एनवी स्टेट इंडिया रिपोर्ट है, उसी के अंदर बताया था कि हीट वेव जो सबसे ज्यादा कहाँ ऑब्जर्व किए गए, तो वो राजस्थान में ऑब्जर्व किए गए थे। नेक्स्ट है जो पैथोजेंस लिस्टेड क्रिटिकली, जो पैथोजेंस वो सबसे ज्यादा पाए गए हैं, जो बीमारी को, बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जिन पे अभी कोई भी मतलब
आप एंटीबायोटिक का भी कोई प्रभाव नहीं होगा, आप एंटीबायोटिक ले लो, लेकिन वो ऑलरेडी अपने आप को इस तरह सक्षम बना चुके हैं कि उन पे कोई किसी एंटीबायोटिक का भी क्या है कोई असर नहीं होगा। तो वो अभी कौन सी नदी में सबसे ज्यादा पाए गए हैं इंडिया में, तो वो यमुना में पाए गए हैं। अब यमुना में पाए जाने के बहुत सारे केस हैं। अब एक तो वो दिल्ली से होते हुए गुजरती है यमुना, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी, दिल्ली एक इंडस्ट्रियल हब है एक तरह का, और वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये था, जो जो कोई भी जो पानी है हम छोड़ देते हैं, डोमेस्टिक पानी हो गया, इंडस्ट्रियल पानी हो गया, जो खराब पानी है उसको यमुना के अंदर छोड़ना, उसी की वजह से सबसे ज़्यादा रीजन में है, सॉरी न्यूज़ में है कि पैंथोजेंस यमुना में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट था, पूछा था वर्ल्ड का हेडक्वार्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आंसर मैंने कल भी दे दिया था, इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है माथेरान हिल्स कौन से मतलब स्टेट में थी, तो ये महाराष्ट्र में थी। यहाँ पे अभी 77 जो बटरफ्लाईज हैं उनकी स्पीशीज मिली हैं, तो ये याद रख लेना, स्पीशीज तो 77 है, उनमें से तो नाम नहीं पूछा जाएगा और वो नाम बताया भी नहीं गया, लेकिन कहाँ पे पाई गई माथेरान्स, महाराष्ट्र में, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। जो नया अमेंडमेंट एक्ट है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का, कि उसमें जंक फूड है वो स्कूल से कितनी दूरी तक आपको नहीं बेचना है और ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट होगा, तो स्कूल से 50 मीटर की दूरी में कोई भी जंक फूड नहीं बेचा जाएगा और वहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। दूसरा था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया, एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो पूछा था कौन सी बॉडी है, तो ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री एंड ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। तो चलो आज के जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आज का दिन जो इंटरनेशनल यूथ डे है, 12 अगस्त को मनाया जाता है, एंड अवेयरनेस डे डिजिग्नेटेड बाई यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डिजिग्नेटेड किया गया था ये दिन, दो अवेयरनेस फैलाने के लिए। और क्या है फर्स्ट इंटरनेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया गया था 12 अगस्त 2000 को किया गया था, और इसका पर्पज़ क्या है, टू ड्रा अटेंशन कि जो यूथ्स है उसके जो चारों तरफ का जो एक तरह सराउंडिंग्स है उसके में जो कल्चरल और लीगल इश्यूज के बारे में जो एक अवेयरनेस रेज करनी है, तो उसी की तरफ ये यूथ के लिए, क्योंकि आज को पता है कि वर्ल्ड है तो उसका कहीं ना कहीं बैकबोन आज देश का और किसी भी देश का और पूरे वर्ल्ड का यूथ ही उसका बैकबोन होता है, तो उसी के लिए ऊपर पर्पज पूरी अटेंशन दी गई है। तो इस बार थीम भी बताई गई है, थीम क्या है इस बार 2020 की, थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो यू आपको मैं बताया था जो सारा जो कंसर्न होता है, जो किसी भी देश की जो अगर प्रोग्रेस मान लीजिए आप, वर्ल्ड की प्रोग्रेस, सोसाइटी की प्रोग्रेस, तो वो क्या है यूथ के कंधों पर होती है, तो वो क्या पूरे यूथ की एंगेजमेंट ग्लोबल एक्शन में भी इस पर किस पर कन्वर्ट करना है, कि यूथ होगा वही जो हर चीज काम है। आप क्लाइमेट एक्शन ले लीजिए, अगर आपको आगे किसी चीज में डेवलपमेंट लेना है तो वो यूथ ही है, तो इसको ग्लोबल एक्शन की तरफ आपको बढ़ाना है, तो ये याद रख लेना, तो हम यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसी में क्या है, दिस ईयर आईवीडी सीक्स टू पुट स्पॉटलाइट ऑन द यूथ ऑफ एंगेजमेंट थ्रू, तो अब इस बार इंटरनेशनल यूथ डे कुछ स्पॉटलाइट्स फिक्स करना चाहता है एंगेजमेंट किसके द्वारा, तो एक तो लोग जो एंगेजमेंट होगी जो यूथ की वो लोकल एंड कम्युनिटी लेवल पे, तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ कि हर लेवल पे यूथ का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वो लोकल लेवल हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो, और दूसरा ग्लोबल लेवल हो, तो तीनों लेवल पे यूथ का जो अपना जो भाग है उसी के बारे में ये बात की गई है। और आपको पता ही है, आप इसको जोड़ सकते हो कोविड-19 के चलते अगर जो सबसे ज्यादा असर हुआ है वो भी यूथ पे ही असर हुआ है, क्योंकि जो यूथ होता है एक बैकबोन होता है, जो मैंने बताया उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा उनकी जो इस बार एम्प्लॉयमेंट है उस पर असर पड़ा है। दूसरी बात, यूथ की जो पढ़ाई है वो एकदम पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है, एक साल तो मान लीजिए यूथ की जो जीवन से निकाल दीजिए ये हो गया है, एक पूरा पूरा वर्ल्ड से एक साल निकालोगे तो बहुत साल पीछे चला जाता है एक साल, अगर जिस हिसाब से हम जो गति से हम जो आगे बढ़ रहे हैं अगर उसको एक बार स्टॉप कर दिया जाए ना तो बहुत पीछे चला जाता, फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर उसके एजुकेशन हो गया, ऐसी चीजें ले लोगे, तो ये चीजें होती है। और इसी के चलते हम देख सकते हैं कि अपने भारत में नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो ये भी आप इसके साथ साथ में आपको याद रखना है, तो भारत में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है ऑन द बर्थ डे ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी के आधार पर मतलब उनके बर्थडे पे यूथ डे मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। तो इस बार 2020 की नेशनल यूथ डे की थीम थी क्या थी, फिट यूथ फिट इंडिया, अगर यूथ फिट रहेगा तभी इंडिया फिट रहेगा, तो ये हर देश के लिए है कि अगर उनका यूथ फिट है, उनका यूथ अगर मेंटली फिट है, अगर काम करने वाला है सबसे ज्यादा यूथ है, तो वो देश उतना ही ज्यादा रहेगा। और आपको पता है कि अपने देश का भी पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यूथ जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन शायद कुछ बंदे नहीं जानते हैं, तो बता देता हूँ, ये साइन की गई थी 12 अगस्त 1765 में
अब ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद क्या थी, जो आपको पता होगा कि बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे जो राइट्स हो गए थे वो मतलब एक तरह का प्लासी के युद्ध में एक तरह का अपने आप को मजबूत कर चुकी थी। उसके बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ ना, तो लगभग पूरे इंडिया पे ये क्या है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने एक तरह का कब्जा सा हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी में जो बिहार उड़ीसा बंगाल में पूरे के पूरे वेस्ट पे राइट्स आ गए थे, तो और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी वही थी। तो क्या है, मुगल एम्परर शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लाइव ने जो बक्सर की लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1764, तो ये भी याद रख लेना ठीक है। तो उसके बाद क्या, एक ट्रीटी साइन की थी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इस ट्रीटी ने क्या किया था, ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवानी राइट्स, ठीक है। तो दीवानी राइट्स भी याद रख लेना, दीवानी राइट्स क्या थी, राइट्स टू कलेक्ट टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर फ्रॉम बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। कि अब क्या है, जो पहले एम्परर जो जनता से, लोकल जनता से टैक्स लेता था, अब बिहाफ ऑफ एम्परर मतलब एम्परर की जगह कौन टैक्स लेगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूल करेगी डायरेक्ट। तो ये दीवानी राइट्स तो होते हैं, ये भी याद रख लेना। तो अभी उनका बहुत ज्यादा एक जो एम्परर होता है ना, वो एक तरह की स्टाम्प रबर सील हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा, वो केवल पेंशन पे जीने वाला हो गया था। सारे जो जो राइट्स हैं वो कंपनी के आ गए। इसी के बाद जब देश की पूरी दशा ही बदल गई, जब वो क्या है, बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी हर छोटे से छोटे मैटर में क्या है अपना क्या है रोल निभाने लग गई थी। तो ये याद रख लेना, बक्सर तो हम कभी कभी क्या है, जो हर दिन के अनुसार के पुरानी हिस्ट्री भी अपने लेक्चर में डिस्कस करते चलेंगे, ताकि एक बार आपका हिस्ट्री भी रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट न्यूज है, अटल इनोवेशन मिशन एंड डेल टेक्नोलॉजीज लॉन्चेज स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0। तो अभी ये याद रख लेना किस किस ने किया है, अटल इनोवेशन ने और डेल टेक्नोलॉजीज ने। तो डेल टेक्नोलॉजीज ने क्या किया है कि एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो फोर यंगर इनोवेटर्स और अटल थिंकिंग लैब्स, जो अटल थिंकिंग लैब्स है तो उसमें जो इनोवेटर्स हैं, जो मतलब कोई अलग काम करने वाला, कोई पोर्टल है, स्टार्टअप्स है, ये अटल थिंकिंग लैब्स की तरफ काम किया जा रहा है, कुछ इनोवेशन हो गया। तो उनके लिए क्या, अभी एक ये डेल टेक्नोलॉजीज के साथ एक कोलेब्रेशन के साथ प्रोग्राम शुरू किया है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0। इससे पहले ये 2.1 जो 2.0 था 2019 में स्टार्ट किया गया था। तो उसके बाद में बहुत से मतलब ऐसे जो एंटरप्रेनर्स हैं, अपने जो इनोवेटर्स हैं, वो निकल के आए, फिर उनके अंदर आपस में कंपटीशन कराया गया, ताकि और ज्यादा जो इनोवेशन हो इंडिया में मतलब आगे चले। फिर अब ये जो डेल जैसी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके साथ उनको काम कराया जाएगा, ताकि उनको इनर्शियल लेवल बढ़े तथा उनके अंदर भी एक जिज्ञासा बढ़ती चले, और वो आगे जब वो इनोवेशन है अपना जो इंडिया के जो नेशनल लेवल पे रखें, और तथा वर्ल्ड लेवल पे भी अपने इनोवेशन को बढ़ाएं। तो ये एक टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम किया जा रहा है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन क्या है। तो अटल इनोवेशन मिशन एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग के द्वारा। तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा इनोवेशन, जो बात हो गई है एंटरप्रेन्योरशिप भी, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ एंड द कंट्री बेस्ड ऑन द डिटेल स्टडी। तो ये ऑलरेडी चल रहा है, तो इसके तहत कुछ चीजें एस्टेब्लिश करनी थी, जो अटल थिंकिंग लैब्स हो गया, अटल इंक्यूबेटर्स हो गया, और अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ये चीजें एस्टेब्लिश की जाएंगी। तो थिंकिंग लैब्स के इनोवेशन हो गया, इंक्यूबेटर्स हो गया, ये क्या है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, इंक्यूबेटर्स हो गया, स्कूल के जो बच्चे हैं वहां पे भी मतलब एक तरह का इनोवेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। तो अब याद रख लेना दोनों किस किस के बीच में ये कोलेब्रेशन हुआ है, तो अटल इनोवेशन मिशन एंड डेल टेक्नोलॉजीज के बीच में ये कोलेब्रेशन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सेटिंग अप ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम्स। तो याद रख लेना, थोड़ा सा अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रीडम फाइटिंग में ट्राइबल्स का बहुत ज्यादा मतलब योगदान रहा है, हालांकि जो वो क्या है पूरे नेशनल स्तर पे नहीं आ पाए, क्योंकि आपको पता है एक तो जो वहां पे अगर बहुत ऊपर आपके ऊपर मतलब अत्याचार हो रहा है, और एक जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो संख्या में बहुत कम है, फिर भी वो अगर किसी जो अत्याचार का विरोध करता है ना, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जो मासेज होती है ना, बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोग होते हैं और जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद में छोटी छोटी जो जनसंख्या वाले लोग भी अगर आपके प्रति विरोध करते हैं, तो वो एक कहने में आपको ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे जो कुछ बहुत जगह अपने जो देश में जो ट्राइबल्स थे, जो छोटी छोटी जनसंख्या, उन्होंने बहुत बार क्या विद्रोह किया था, वो उनको विद्रोह उस समय हम विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको अपनी फ्रीडम प्यारी थी, वो किसी का जो हस्तक्षेप नहीं चाहते थे बीच में। तो यही था ट्राइबल, जो ट्राइबल है आज भी वो पूरे जो जो स्ट्रीम लाइन है उससे अलग रहते हैं, वो अपने आप में ही खुश रहने वाले हैं। तो इसको अभी तक उनको फ्रीडम फाइटिंग का इतना दर्जा नहीं मिला था, लेकिन क्या धीरे धीरे में उनको भी हमें
अपने जो जनसंख्या आने वाली पीढ़ियां जान सके कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था कि जो ट्राइबल्स जो लोग हैं उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में योगदान दिया था। और आपको पता भी 1857 की क्रांति में जो ट्राइबल्स लोग थे और जो पेजेंट्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया था। लेकिन आप याद रख लेना कि जो मीडियम क्लास के लोगों थे, जो जमींदार वगैरह हो गए, जो बहुत ज्यादा कम लोग थे, जो बाद में जमींदारी जो जो अपने आप जो क्या करते थे, जो कर लेते थे, उन्होंने साथ नहीं दिया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें 1857 की में, तो कुछ सैनिक थे जो अवध के सबसे ज्यादा सैनिक थे, फिर हो गया पीजेंट्स, हो गए ट्राइबल्स लोगों ने बहुत ज्यादा दिए। वो डायरेक्ट लाठी और क्या तलवार और कुल्हाड़ी लेके बंदूकों से लड़ने चले गए थे। तो आप इन चीजों को आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। तो उन्हीं की जो फ्रीडम फाइटिंग है उसको अभी क्या रिमेम्बर करने के लिए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम अभी ओपन किया जा रहा है। तो ये क्या डेडिकेट टू ट्राइबल पीपल्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट। तो आपको ये मैंने बताया दिया। तो इनका इसका काम क्या होगा कि वो जो अभी जो म्यूजियम बनाएगा उससे क्या होगा कि वो ट्रेस करेंगे अभी भी जो ट्राइबल पीपल्स हैं, हिल्स हैं, उनके जो फॉरेस्ट में जो रह रहे हैं, उनके जो क्या राइट टू लिव एंड विल, तो उनके बारे में वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको अभी भी ट्रेस किया जाएगा कि मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनकी जो कहानियां दबी ना रह जाए। तो वो क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट टू वेयर ट्राइबल स्ट्रगल, उनका जो उस जो रास्ते हैं उन्होंने अपनाए, किसी ने क्या गोरिल्ला वार अपनाया, कोई क्या है इधर से उधर न्यूज, एक जगह से दूसरी तरह न्यूज पहुंचा के मतलब एक तरह की स्ट्रगल को ना जनरेट किया, कुछ ने गुरिल्ला वार किया, कोई ने डायरेक्ट अटैक किया। तो उनके जो जो तरीका था उसको भी क्या डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि वो अपने जो कस्टडियल कर्सन है, तो उनके जो कंसर्न है जो उनके खुद के, उनको वो किस तरह उन्होंने बचा के रखा है। आपको भी पता है जब फॉरेस्ट के ऊपर भी जब नियम बनने लगे ना, तो सबसे ज्यादा इम्पेक्ट क्या हुआ था ट्राइबल्स पे, इम्पेक्ट हुआ क्योंकि ये फॉरेस्ट डिवेलर थे, फॉरेस्ट में रहने वाले थे। और फिर क्या है, फॉरेस्ट पे जो ब्रिटिश सरकार थी जो रूल बनाने लग गई, तो वहां पे क्या है उनसे खेती कराने के लिए क्या हुआ कि फॉरेस्ट पे रूल बना दिया कि अब फॉरेस्ट में कोई नहीं रहेगा, उनका एक्सक्लूसिव राइट गवर्नमेंट को चले गए। फिर क्या हुआ था कि उनको क्या है ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स को क्या था, जो जमीन थी वो कल्टीवेशन में लानी थी, उससे क्या होगा कि उनको कर बढ़ेगा। तो ऐसी चीजें उनको डायरेक्ट हेम्पर करती थी। इसके चलते में उन्होंने क्या किया, जब फॉरेस्ट में जब ब्रिटिश का अधिकार होने लग गया, तो उन्होंने क्या है अपने जो विद्रोह है वो शुरू कर दिया था। तो ये चीजें इंटरकनेक्ट आपको करना है कि किस तरह उन्होंने ये अपना जो फ्रीडम मूवमेंट है वो चलाया था। क्यों चलाया था, जब फॉरेस्ट के जो रूल बना दिए थे कि रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, उस पर कोई ट्राइबल्स नहीं रहेगी, कोई लकड़ी नहीं लेके आएगा, कोई फल फ्रूट नहीं लेके आएगा, तो उनको लगने लगा है कि अभी हमारा जो राइट्स हैं, जो कस्टोडियल राइट्स हैं, वो हनन हो रहा है। तो उन्होंने क्या विरोध शुरू कर दिया था। तो ट्राइबल मूवमेंट्स कौन कौन सी थी, जो कोल रिबेलियन हो गई 1832, संथाल हुल हो गई 1855, एंड मुंडा उलुगुलान हो गए 1899। तो इसके साथ साथ जो ट्राइबल जो लीडर्स थे, बिरसा मुंडा जी थे, उनके बारे में आप जानते थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक मतलब पूरे सोसाइटी में चेंज कर दिया था अपने में। रानी गदनलुनी गाय दी नलू हो गई, एंड वीर सुरेंद्र साई, तो ये कुछ ट्राइबल हीरोज हैं, उनको भी अभी मतलब उनको संज्ञान में लिया जाएगा तथा इस म्यूजियम में उनको प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, अभी नेशनल पोर्टल फॉर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट और सुरक्षा, ये एक लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। तो आपको भी पता है कि जैसे जैसे अभी तो और भी ज्यादा न्यूज में आ रहे लॉकडाउन के चलते, तो जो हर चीज जो हर जानवर है फॉरेस्ट से निकल के शहरों में आने लगे हैं। और जो कर्नाटका हो गए, जो कर्नाटका उड़ीसा जो इस टाइप के, जो केरला हो गए, इन जंगलों में क्या है हाथी और जो जो मनुष्य का है वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये खाने के चक्कर में क्या है जंगलों में खेतों में घुस जाते हैं हाथी, और फिर क्या लोग उनको मारने भी लग जाते हैं, और उनसे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो ऐसे और दूसरा क्या कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट यही ह्यूमन तक नहीं रहा, डेवलपमेंट में भी इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि अगर किसी जंगल से, नीलगिरी पहाड़ियों से अगर कोई ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन के चपेट में आने हुए भी क्या बहुत सारी हाथियों की मौत हो जाती है। तो मेन कंसर्न रहता है कि यहाँ पे क्या है ह्यूमन की जो लाइफ है उसके भी साथ भी एक तरह की मतलब खतरे में रहती है, और दूसरी एनिमल की लाइफ भी खतरे में रहती है। तो उसी के चलते एक पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। इससे क्या होगा, दूसरा क्या है जो वर्ल्ड जो एलिफेंट डे है वो भी 12 अगस्त को है, आज ही वर्ल्ड एलिफेंट डे है, तो इसी के चलते ये लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या डायरेक्ट जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी कुछ ही, तो वो कलेक्ट की जाएगी। तो हम ये किस लिए किया जा रहा है कि इंडिया में क्या एक प्रोजेक्ट एलिफेंट चला गया है कि एलिफेंट की जान को बचाया जा सके। ये भी जो वनरेबल एक जो लिस्ट में आते हैं कि आपको पता है जैसे बड़े बड़े जो पहले डायनासोर थे, बहुत ज्यादा बड़े जो प्राणी थे वो खत्म हो गए, फिर अगर एलिफेंट भी खत्म हो जाएंगे, जिराफ भी खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर क्या हम क्या फोटो में देखेंगे। तो ऐसी चीजों को इनको बचाना होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत जरूरी है। तो क्या प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था,
लॉन्च इन 1992 में किया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया था। वो क्या प्रोवाइड करेगा? टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के जो फोर्स हैं उनको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट न्यूज है, छत्तीसगढ़ टू लॉन्च इंदिरा वन मित्र योजना। तो याद रख लेना कौन से जो स्टेट ने ये इंदिरा वन मित्र योजना लॉन्च की गई थी, छत्तीसगढ़ में। तो ये भी बात हुई थी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल डे। तो ये आपको बताना है, क्योंकि मैंने अभी न्यूज में बताया था कि ये कब था, ये आपके लिए एक मतलब आज का क्वेश्चन यहीं से हो गया है। तो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल कब था और इसकी थीम क्या थी? तो थीम को तो बता दिया है कि मैं बता देता हूँ, कोविड-19 एंड वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल रिजिलियंस, कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपुल रिजिलियंस इसकी थीम थी 2020 की इस बार। तो ये इस दिन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या बनाया है, इंदिरा वन ये मित्र योजना चलाई। इसमें क्या होगा, जो फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं, जो आपको बताया था इंडिजिनियस पीपल कौन होते हैं, जो एथनिक पीपल होते हैं, जो भी किसी भी जगह के जो परमानेंट सेटलर हैं, जो पहले के जो परमानेंट सेटलर थे, वही क्या इंडिजिनियस पीपल है। तो मैक्सिमम क्या है, ये फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं और ट्राइबल्स हैं। तो उनको क्या सेल्फ रिलायंस तक पहुंचाना है, किसी तरह सेल्फ रिलायंस तक पहुंचाना है कि आत्मनिर्भर बनाना है। आपको अब वही कोविड-19 आ जाता है कि सब कुछ व्यापार बंद हो गया, तो जो बहुत वल्नरेबल जाति जो लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, उन पर भी उल्टा असर पड़ा है। तो अभी क्या किया जाएगा, 10 और 15 यंगस्टर्स हैं, उनका एक क्या ग्रुप बनाया जाएगा, लगभग 10,000 जो गांव है छत्तीसगढ़ के, उनके अंदर ये ग्रुप बनाया जाएगा। अब वो क्या काम करेंगे, वो मैनेज करेंगे जो फॉरेस्ट से जो चीजें निकल जाती हैं, जो जो फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं जो चीजें लेके आते हैं, उनको ई कॉमर्स एक्टिविटी में बनाया जाएगा। अगर वो फॉरेस्ट से कुछ चीज लेके आते हैं, मान लीजिए आपको उदाहरण के तौर पर जो पान के जो पत्ते होते हैं वो लेके आते हैं, तो उनको भी मान लो एक ई कॉमर्स की एक्टिविटी में लेके जाए, ताकि उनको उनकी आमदनी बढ़ सके। और उनको ज्यादा से ज्यादा इंकरेज किया जाएगा कि जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज हैं, जो जिनके पे फल लगते हैं, वो ट्रीज वहां पे लगाए जाएं और मेडिसिन प्लांट लगाएं, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। तो आप याद रख लेना, इन जो इंदिरा वन मित्र योजना है वो किस जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और किसके लिए ये इंदिरा वन गवर्नमेंट जो ये मित्र योजना है, ये दोनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज है माउंट सिनाबग वोल्केनो ऑफ इंडोनेशिया इरप्टेड। तो अभी माउंट सिनाबग वोल्केनो अभी इरप्ट हुआ है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी, क्योंकि ये एक डोरमेंट वाल्केनो था और रेगुलर अभी इरेप्ट हो रहा है, लगभग दो तीन हर साल में, 2010 में हुआ, 14 में हुआ, पहले 4 साल में, फिर अभी 6 साल में ये इरेप्ट हो रहा है। तो ये वाल्केनो डोरमेंट क्या है, वैसे 400 सालों तक ये डोरमेंट रहा था। डोरमेंट वाल्केनो कौन सा होता है कि वो अभी बहुत सालों से क्या हुआ है कि अभी वो इरप्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो कभी भी इरप्ट हो सकता है। तो एक तो एक्टिव वोल्केनो होता है जो रेगुलर क्या होता है कि इरप्ट होता रहता है, एक होता है डोरमेंट जो मतलब सुसुप्त अवस्था में सो जाता है कि वो कभी होगा सालों बाद, 200 साल 300 साल बाद में। तो एक तो डोरमेंट हो गया, तीसरा वो एक्सटिंक्ट हो गया जो जिसका अभी कोई चांस ही नहीं इरप्ट होने का। तो तीन तरह के वोल्केनो होते हैं। तो ये आप देख लीजिए कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया का ये सुमात्रा आइलैंड हो गया, ठीक है, सुमात्रा आइलैंड के नॉर्थन साइड में यहाँ पे ये है। तो ये याद रख लेना, सिनाबंग है, याद दिलाना, मैंने यहाँ पे एन छूट गया है, सिनाबंग वाल्केनो। तो ये कहाँ पे है, लोकेटेड ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देन द पैसिफिक रिंग, जो रिंग ऑफ फायर आपको पता ही है कि पूरा ये जो ये इलाका है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जो कि पैसिफिक जो ओशियन है उसमें है, वहाँ पे लगभग 120 से ज़्यादा वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो है। तो ये आपको बता दिया, माउंट सिनाबग लोकेटेड इन नॉर्थन सुमात्रा लैंड। तो आप भी ये याद रख लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भी अगर आपके माउंट सिनाबग के बारे में पूछा सकता है कहाँ पे स्थित है, तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे जो नॉर्थन सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, वहां पे ये स्थित है। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ईवर, ये ईवर नहीं है, ईवर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बिगिंस। तो आपको पता है अभी तक कोई थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जरूर बने, लेकिन फ्यूजन रिएक्टर अभी तक नहीं बना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन में फ्यूजन और फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है कि एक ये बड़ा एटम है, अब इस पे क्या न्यूट्रॉन का अटैक किया जाए, तो ये आगे क्या छोटे एटम में बन जाएगा इसे, ठीक है, और फिर न्यूट्रॉन निकल जाएगा साइड में, फिर इस पे अटैक होगा, ये दो में, फिर दो बड़े में निकल जाएगा, एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा, इस पे अटैक होगा, तो ये क्या एक चेन श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। और फ्यूजन क्या है कि ये दो छोटे एटम है, ठीक है, उन पे क्या है रिएक्शन करा के इनको बड़े में बनाया जाता है। तो जब ये फिर उनको जो प्रेशराइज दबाना जाता है, तो यहाँ पे भी एनर्जी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में, जो फ्यूजन है फिजन है उससे ज्यादा फ्यूजन में एनर्जी निकलती है, और रेडियोएक्टिव भी बहुत ज्यादा है आसपास के इलाके में। तो क्या इससे क्या रिएक्टर अभी काम शुरू कर दिया गया, अभी तक बहुत सारे अरबों करोड़ों रुपए निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन पहली बार इस पे काम शुरू हो गया है। तो ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल है, अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल है, वो स्टार्ट किया गया फ्रांस में, एंड
एक्सपेरिमेंटल टोकामेक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो टोकामेक है, ये भी मैंने बहुत सर्च मारा, ये साइंटिफिक बहुत ज्यादा गहरा, आपको याद मतलब इतना ज्यादा हाई लेवल जो साइंस याद करने की जरूरत नहीं है कि आप देखोगे, मैंने भी बहुत सारे वीडियो में सर्च मारा, झूठ नहीं बोलूंगा, और कुछ लेवल तक तो मेरे भी लेवल से बाहर था। तो इसमें क्या होता है कि एक पूरी मशीन बनाई जाएगी, उसके अंदर ही एक जो एक प्लाज्मा होता है, जो जो इसका जो न्यूक्लियर प्लांट में जो हीलियम हाइड्रोजन का प्लाज्मा क्या होता है, उसको हीटअप किया जाता है, जिसका 15 मिलियन के ऊपर क्या है उसका तापमान, जो सूर्य का कोर है उससे ज्यादा क्या टेम्परेचर बढ़ा जाता है, और फिर इसको कुंडलित किया जाता है और एनर्जी बनाई जाती है। तो वो भी तो मैं साफ साफ बोल देता हूँ, मेरे भी दिमाग से अभी मतलब पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन आपको मैं एक वीडियो दूंगा, उसने थोड़ा सा हद तक समझाने की कोशिश की है। तो उसमें क्या टोकामा की जो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या होता है कि जो अंदर क्या है ऐसे कर उसको कुंडलित करके फ्यूजन बनाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, एक तो नॉर्मल घूमने लग गया, और वो हाई प्रेशर के साथ इसको कुंडलित किया जाता है, मतलब ये घूमने लग जाएगा इससे, ठीक है, और इसके ऊपर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और इसके जस्ट यहाँ पे अगर 15 मिलियन अगर टेम्परेचर है तो यहाँ पे भी माइनस में टेम्परेचर, चारों डेयर में माइनस में टेम्परेचर रखा जाएगा, वरना तो ये खुद ही पड़ जाएगा इतना टेम्परेचर होगा। और बहुत ही मतलब एक शील्ड बनाई जाती है, वॉल शील्ड होती है, बहुत मोटी शील्ड बनाई जाती है, वो उसको लगातार बाहर से कूल किया जाता है। तो ये डिजाइन टू प्रूव द फिजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन एज लार्ज स्केल कार्बन फ्री सोर्सेज, तो ये सबसे बड़ी इसकी क्या है कि ये कार्बन फ्री है, कोई भी कार्बन एमिट नहीं करेगा। तो इसको डिजाइन किस लिए किया गया है, लगभग 500 मेगावाट का फ्यूजन पावर प्लांट बनाया जा रहा है। तो इसमें डेमोस्ट्रेट किया जाएगा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑफ फ्यूजन प्लांट की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोस्ट्रेट किया जाएगा, और जो इसके सेफ्टी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी डेमोस्ट्रेट किया जाएगा। तो मतलब अभी बार पहला ही बन रहा है, बहुत सारे देश इसमें क्या है मिलके बना रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से बना नहीं पाए हैं फ्यूजन, अभी प्लांट कोई भी बना नहीं है। तो पहला फ्यूजन प्लांट फ्रांस में बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये इंटरनेशनल थर्मो एक्सपेरिमेंट रिसर्च जो रिएक्टर है उसके मेंबर कौन कौन से हैं, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएसए, तो ये सारे इसके पार्ट है। मतलब एनर्जी का इतना बड़ा है कि आप सोलर, एक तो सोलर पावर प्लांट लेके चलिए कि सोलर पावर प्लांट भी हम लेके चल रहे हैं, लेकिन क्या है उसका कि लिमिटेड, उसकी भी लिमिटेशन है, रात को सोलर पावर क्या जनरेट नहीं हो सकती, मौसम अच्छा नहीं है जनरेट नहीं हो सकती, लेकिन ये क्या अनइंटरप्टेड सर्विस देगा, जैसे कोई भी हो गया अनइंटरप्टेड, और दूसरा ऊपर के अनइंटरप्टेड के साथ साथ में क्या है कोई भी मतलब जो कोयला वगैरह जो मतलब कार्बन है वो ये एमिशन नहीं कर रहा है, तो एक तरह में ये सेफ भी है नेचर के लिए। तो अनइंटरप्टेड सर्विस पाने के लिए ये सारे देश अभी पैसा लगा रहे हैं, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये बनाया जाए। तो इसमें इंडिया का भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो क्रायो स्टेट है वो ये चीजें प्रोवाइड करेगा, जो वॉल शील्डिंग हो गई, कूलिंग वाटर सिस्टम। अब क्रायो स्टेट क्या है, किसी चीज को ठंडा करने के लिए कि मतलब भाई बहुत गर्म हो रहा है, ठंडा रुको ठंडा रुको, आप ठंडा रखो, मतलब रिएक्टर को ठंडा रखना है। नॉर्मली बात यह है कि आपको गर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर रिएक्टर में भी क्या ब्लास्ट होने के चांस रहते हैं, कि इतनी अगर बहुत ज्यादा एनर्जी अगर हो जाती है तो वहाँ ब्लास्ट होने के चांस भी रहते हैं, तो उनको क्या है कंट्रोल किया जाता है। अभी जैसे हम न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है उसमें क्या भारी जल से क्या डाल के उसको कंट्रोल करते हैं, तो इनको कंट्रोल करना भी जरूरत होता है। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई गई है, जो बाहर का जो इसकी शील्ड है उसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, अगर यहाँ पे टेम्परेचर हो गया तो इसको पिघला देगा, तो बाहर से इसको कूल रखा जाता है। तो इंडिया काम है, और इंडिया की कौन से इंस्टीट्यूट है जो ये इसको प्रोवाइड करेगा, तो इंडिया का इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, वो ये चीजें जो इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा फ्रांस को। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि एक दो ये जो थर्मो फ्यूजन फ्यूजन प्लांट है वो कहाँ पे, फ्यूजन प्लांट बहुत है लेकिन फ्यूजन प्लांट कहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी फ्रांस में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इसमें जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन करेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर ये कंट्रीब्यूशन करेगा, और ये कंपनी जो देश है वो भी याद रख लेना कौन कौन देश इसका हिस्सा है, ये भी पूछा जा सकता है, कंफर्म नहीं कहूंगा लेकिन पूछा जा सकता है, आपको याद रख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीज नहीं है। तो चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया एंड रशिया हो गया, तो ये 28 देशों को इनको क्या है 27 देश हो गए, अभी पहले 28 थे, अभी ब्रेक्जिट हो गया तो ये 27 देश हो गए। तो ये 27 देश को आप एक सिंगल यूनिट में याद रख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 देश हो गए, यूरोपियन यूनियन को आप सिंगल एंटिटी मान के चलना। तो न्यूज के लिए आज इतना ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक अदालत हैज बिन गिवन स्टेच्युटरी स्टेटस अंडर, तो ये आज की न्यूज में नहीं है, ये कल की न्यूज में थे, क्वेश्चन छूट गए थे, तो मैं आज पूछ रहा हूँ, जो लोक अदालत थी उनको स्टेच्युटरी स्टेटस दिया गया था, कौन से एक्ट के तहत उनको स्टेच्युटरी स्टेटस दिया गया था। नेक्स्ट है थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे, जो इंटरनेशनल यूथ डे 2020 की थीम क्या है, और वैसे ही नेशनल यूथ डे 2020 की थीम क्या है, दोनों की थीम बतानी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी राइट्स मिले थे
वो कब मिले थे, ठीक है, किसके बाद मिले थे आपको बताना है, और दीवानी राइट्स क्या होते हैं ये भी आपको क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च्ड इन कोलेबोरेशन ऑफ, जो दो जो इंस्टीट्यूशन है उनके कौन से दो इंस्टीट्यूशन है उनके कोलेबोरेशन से ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम सेटअप करी है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो म्यूजियम वो सेटअप करी है। नेशनल पोर्टल फॉर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, जो नेशनल पोर्टल है वो कौन सा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी लॉन्च किया गया था, उस पोर्टल का नाम बताना है। दूसरा जो नेशनल पोर्टल जो है जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ये भी आपको बताना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कब स्टार्ट किया गया था तो ये आपको बताना है। तो न्यूज़ के लिए आज इतना ही, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो skventure.blogspot.com पे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, अगर कोई कमी रह गई हो तो आप डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो डिसलाइक क्यों किया। आपसे इतनी आशा रखता हूँ, कल फिर मिलेंगे आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए उनसे आंसर के साथ एंड नई न्यूज़ के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।